पिछले दिनों मैंने संजू फिल्म देखी। संजू फिल्म देख के बहुत मैं शर्मिंदा हुआ। मुझे तो लगता है पूरे देश को मिलके संजय दत्त से माफी मांगनी चाहिए। संजू, हम देशवासियों को माफ कर दो, हम लोग तुम्हें गलत समझते रहे, तुम तो अच्छे आदमी हो, ऐसा फिल्म में दिखाया था। शराबी वो है मगर अच्छा आदमी है। कोकीन, चरस, LSD, गांजा, हेरोइन, हर नशा करता है मगर आदमी अच्छा है। नशा वो सारे करता है, अरे लेकिन खुद थोड़ी करता है, वो तो भोला है। हाँ, उसको दोस्त ने बिगाड़ा है। उसका दोस्त है ना, दोस्त कमीना है, हरामी। संजू तो आदमी अच्छा है। संजू ने सैकड़ों औरतों के साथ गलत किया, 308 महिलाओं के साथ गलत काम किया, गपा गप किया, लेकिन अब हो गया, आदमी अच्छा है, बेसिकली आदमी अच्छा है, लेकिन संजू फिल्म के बाद देश में जितने गुटखा खाने वाले लोग हैं, भांग खाने वाले लोग हैं, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, निराश है। उनका कहना है, भाई साहब, संजू फिल्म में सिर्फ अंग्रेजी नशा को प्रमोट किया है, हम देसी नशेबाजों को नेग्लेक्ट किया है, हमारा कोई महत्व नहीं फिल्म में। इसी गम में भाई साहब, ये गुटखा खाने वाले, ये भांग खाने वाले डबल डबल डोज मार के फुटपाथ पे पड़े, उन पे जब पानी की छींटे मारो, जगाओ, तो कहते हैं, संजू फिल्म ना देखो, संजू फिल्म ना देखो, हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। अभी पिछले दिनों मैं एक शादी में गया था। अब शादी में गया, अब मुझे मिठाई का शौक है। अब मैं डेजर्ट के काउंटर में गया, वेटर से कहा, यार रसगुल्ला खवाओ, और गिनना नहीं, गपा गप खाएंगे। वो चाट वाला, आइए बाबूजी, आप खाइए, आप रसगुल्ला खाइए, आपको खिलाएंगे गपा गप, गपा गप खाइए, तरावट आ जाएगी। अब गपा गप सुनते ही कुछ महिलाएं, कुछ लेडीज मेरे अगल बगल खड़ी थी, वो निकल गई। एक लेडी तो भड़क गई, आपको शर्म नहीं आती है, अश्लील बात करते हैं, गका गप बोलने में आपको शर्म नहीं आई? क्यों, मैं तो पानी के बताशे और चाट पानी पूरी सब गपा गप खाता हूं, बेशर्म कहीं के। तब मुझे वेटर ने बताया, बाबूजी, ये संजू फिल्म के बाद गपा गप का मतलब बदल गया है, गपा गप का मतलब अब अश्लील हो गया है, डिक्शनरी बदलिए। लेकिन दोस्तों, संजू ने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ भी गपा गप किया। अब आप सोचिए, जो आदमी अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कर सकता है, तो अपन लोग क्या है? संजय दत्त कहीं भी मिले, मैं आपको समझा रहा हूं, आपको वार्निंग दे रहा हूं, संजू कहीं भी मिले दूर से सलाम करो, हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, हाँ बाद में मिलेंगे, बाद में भैया, हाँ चौराहे पे जाओ, चौराहे पे जाओ, बाद में बाद में। घर परिवार में बुलाने लायक नहीं है ऐसा गपा गप मास्टर है। हाँ, एक बात से मैं एग्री कर रहा हूं, संजय दत्त की एक बात बिल्कुल ठीक है, भाई कोई भी अपनी सेफ्टी के लिए, परिवार के सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ असलहा रखता है घर में। तो उसने AK-56 रख लिया, AK-47 रख लिया है। हमारे चाचा है, और छत पे डंडा रखते हैं, कहते हैं इधर से बंदर बहुत आते हैं, हैं बंदरों को भगाते हैं, वो सुरक्षा कर रहा। मैं अपनी बता रहा हूं, एक बार दंगा होने वाला था, तो मैंने भंडरिया में सलिया वो छुपा के रखा था, सलिया रखा मगर चलाया तो नहीं ना, उसने भी रखा AK-56 चलाया तो नहीं। मेरा तो सरकार से ये कहना है कि सबको बांट दो AK-56, AK-47, साथ में ये कंडीशन लगा दो, बस चलाना नहीं,